नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और सब कुछ मेरा अभी काम हो चुका है सुबह का। और यहाँ पर ना बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। काले घने बादल लगे हुए हैं आसमान में और ऐसा लग रहा है कि मतलब बारिश होएगी थोड़ी सी अच्छी खासी। तो देखते हैं, मतलब लग तो रहा है बादलों को देखकर, तो हो जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है। और आज मेरी फ्रेंड आने वाली है, मतलब वो मेरी बहन जैसी है, मतलब मैं उन्हें बहन नहीं, वो भी मुझे बहन मानती और मैं भी, तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी। और वो काफ़ी टाइम के बाद आ रही हैं, मतलब लगभग अंशी के बर्थडे में आई थी मार्च में और उसके बाद वो अब आ रही हैं। तो क्योंकि बीच में लॉकडाउन हो गया था, उनका भी छोटा बेबी है, तो उसके कारण कहीं आना जाना मतलब मुश्किल से ही हो पाता है उनका भी, और मेरा भी आदि के कारण मैं भी कम जाती हूँ। तो आज वो आ रही है और वो ना 2-3 दिन पहले आने वाली थी, तो तभी उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो अंशी को ये है कि मतलब वो आज भी नहीं आए मासी, और अभी भी मतलब अब भी आएंगे कि नहीं आएंगे, उस दिन भी कल भी कह रही थी वो आज भी नहीं आए, कब आएंगी। तो मैंने कहा बहुत खुश होती, मतलब बच्चों को होता ही है, बच्चों को क्या, हमको भी ये होता था बचपन में कि जब किसी ने आना होता है ना तो इंतजार रहता था कि आएंगे आएंगे, और फिर वो जब नहीं आता था तो दिल मतलब सबका ही होता है, थोड़ा दुखता है कि नहीं आया। तो आज वो फाइनली कह रहे थे, पर बारिश शुरू हो चुकी, मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, तो पता नहीं आएंगे, पर आएंगे ही आ चुके हैं, बहुत दिन से वो कर रही थी मतलब कि। तो अगर वो आ जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी अपनी फ्रेंड से, अपनी दीदी से। तो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, आदि और अंशी बाहर ही हैं, वो क्या करते हैं, तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी दीदी से मिलवाती हूँ। आज मेरी दीदी आई है मुझसे मिलने, और ये हमारा छोटा सा बेटा अभियुक्त है। हाय अभियुक्त, हेलो हेलो गुड, हेलो 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 करो, हेलो गुड, हेलो नहीं करेगा, आप किधर देख रहे हो? आदि का भी भाई आया है, तो आदि बोलो, आदि कहाँ है भाई, कहाँ है अभी, कहाँ है? आदि अपना फ़ोन लेके घूम रहा है अभी, और दीदी अभी सुबह आ गए थे और अब जाएंगे, तो हमारा मतलब थोड़ा मन वो हो रहा है ना अभी। अब हंसा वो थोड़ा सा, अभी अभी आ जा, अभी अभी बाय, अभी बाय, अभी बाय, बाय बाय भाई, बाय बाय, वो पहले कर रहा बाय, चलो चलो भाई, चलो ठीक है फिर, हाँ दीदी, ओके बाय 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 बाय। अभी यहाँ पर मैं ओरियो शेक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अंशी का मन था कि मम्मी कुछ बना दो ओरियो शेक, उसे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले भी बनाया था तो फिर उसे अच्छा लगा था, तो वो कहने लगी बना दो मम्मी। और मैं यहाँ पर ओरियो शेक बनाने जा रही हूँ, तो 2 पैकेट मैंने ओरियो लिए हैं और 1 गिलास दूध का, थोड़ा सा चम्मच में 1-2 चम्मच इसमें चीनी डालकर इस जार में चला लूँगी और तैयार हो जाएगा मेरा ओरियो शेक। हमारी मोमोज पार्टी चल रही है, तो आप भी आइए और हमारे साथ मोमोज पार्टी कीजिए। रावत जी दीदी को छोड़ने गए थे, तो आते टाइम मोमोज भी लेकर आ गए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है बाहर, मतलब ठंडा मौसम हो रखा है, तो उन्होंने सोचा ठंडा मौसम है तो गर्मा गर्म मोमोज खिला देता हूँ उनको। और दीदी तो रुकी नहीं, वरना दीदी के साथ भी हम खूब इंजॉय करते। Thank you.
तो फ्रेंड्स अभी तो मैंने यहाँ पर पूजा की शाम की, और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर छत में जा रही हूँ। थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा होने लगा है और अब मैं छत में थोड़ा सा घूम लूँगी, क्योंकि छत में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि आज दिन में 2-3 घंटे बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा हो रखा है। और दीदी तो चली गई क्योंकि उनको ना बर्थडे पार्टी में जाना था, उनके लिए फ़ोन आ रहा था तो उनके पड़ोस में ही कोई बर्थडे पार्टी थी तो उनको बुलाया था, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। वरना मैं सोच रही थी कि उनको रात को यहीं रोक लूँगी तो वो आज रात में यहीं रह लेंगे, तो एक मतलब कल चले जाएंगे कल शाम तक, तो बच्चों का भी मन लगा रहेगा और मुझे भी अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद मिले थे, क्योंकि हम पहले काफ़ी टाइम के बाद मिले, क्योंकि आजकल ना ये लॉकडाउन भी लग गया था और गर्मी इतनी थी कि मतलब कहीं आने जाने का भी मन नहीं करता था, तो वो इतने दिनों के बाद आए थे तो ऐसा था कि चलो आज रात को रुक ही जाएंगे, पर तब जब कोई बुलाता है तो जाना भी पड़ता है, तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं किया कि मतलब रोका नहीं, कोई बात नहीं फिर दोबारा मिल लेंगे, क्योंकि ये यहीं पर यमुनानगर में ही रहते हैं, तो मतलब हम चले जाएंगे या कभी वही आ जाएंगे। तो अब जैसे मौसम आजकल अच्छा रहता है तो अब जाने का मन भी करता है, तो चले जाएंगे बच्चों को लेके। आदि और अभी दोनों मतलब ऐसा हो रहा था कि दोनों में मतलब ये खींचतान हो रही थी कि जो खिलौना अभी को चाहिए वही आदि को चाहिए, जो आदि को चाहिए वही दोनों को मतलब सेम चाहिए। बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो मतलब उनको एक को चाहिए होता दूसरे को भी वही चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने सारे दिन भर ब्लॉगिंग भी नहीं की, क्योंकि जब हम ऐसी बातों में ही बच्चों के साथ ही थे तो ऐसे ही मतलब टाइम का पता नहीं लगा। अंशी भी कह रही थी मम्मी आज तो बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं लगा, कब सुबह से शाम होगी और मासी चली भी गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं दोबारा आ जाएंगे, तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल पता नहीं लगता है टाइम का जब कोई आता है। तो फ्रेंड्स मैं भी आपसे अब लेती हूँ विदा, और अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।